stretch up to the ceiling. Reach down and tickle your toes. Shake your hands from side to side. That's how the warm-up goes. You've got to nod your head to the music. Wiggle, wiggle, wiggle your nose. Wave hello to all your friends. That's how the warm-up goes. Now let's all play peek-a-boo. Clap your hands together too. Act like a monkey in the zoo. A cheeky little monkey just like you. You gotta stretch, stretch, stretch up to the ceiling. Reach down and tickle your toes. Shake your hands from side to side. That's how the warm-up goes. You've got to nod your head to the music. Wiggle, wiggle, wiggle your nose. Wave hello to all your friends. That's how the warm-up goes. Yeah! That's how the warm-up goes. We'd love it if you'd subscribe to our channel by clicking on... ऊर्ध्वमुख शवनासन अपने पेट पर लेट जाएं और हाथों को छाती के बाजू में रखें, उंगलियों और पंजों को तान के रखें, बाजुओं को सीधा करें और शरीर के ऊपरी हिस्से और जांघों को ऊपर की ओर उठाएं, कंधों को पीछे करते हुए छाती को आगे को ढकेलें, पीठ को जितना संभव हो उतना ताने और सिर को ऊपर की ओर करें। यह आसन की मुद्रा है। इसी मुद्रा में 10 से 20 सेकंड तक रहें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीली बनाता है। अब धीरे से सिर को नीचे लाएं और शरीर को भी नीचे की ओर लाएं। जमीन पर ही थोड़ी देर विश्राम करें। सर्वांग आसन सर्वांग आसन को सभी योग आसनों की रानी या मां माना जाता है। पीठ के बल लेट जाएं, घुटने मोड़कर छाती की ओर लाएं, कुल्हों और टांगों को जमीन से ऊपर उठाएं, पीठ को हाथों से सहारा दें, टांगों को खींच के एक साथ रखें, सिर्फ सिर का पिछला हिस्सा, गर्दन, कंधे और ऊपरी बाजुओं को जमीन से छू लेने दें, पंजों को सामने को रखें, सांस साधारण तरीके से लें, 1 से 3 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। शरीर के विकास और सेहत के लिए यह आसन लाभकारी है। यह शरीर को तरोताजा रखता है, शरीर के जरूरी अंगों, गांठों और नसों को तंदुरुस्त करता है। इस मुद्रा से बाहर आने के लिए घुटनों को मोड़े और नीचे आ जाएं, शरीर को विश्राम दें। शलभासन इस आसन को कमल मुद्रा भी कहते हैं। पेट के बल लेट जाएं और बाजुओं को बगल में रखें, हथेलियां आमने सामने रखें, टांगों को जोड़ें और पंजों को ऊपर को रखें, सिर, छाती, बाजू और टांगों को जमीन से एक साथ ऊपर उठाएं। यह है शलभ आसन। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें।
घुटनों को न मोड़े और जांघों को जमीन पे न छुलने दे। पीठ, कूल्हे और जांघ के पीछे वाली मांसपेशियों में इस आसन से मजबूती मिलती है। धीरे से शरीर को नीचे लाएं और विश्राम करें। मकर आसन। इसे मगर मुद्रा भी कहते हैं। यह पीठ के लिए बेहतर आसन है। पेट के बल लेट जाएं, अपने हाथ को सिर के पीछे ले जाकर उंगलियों को बांध लें। टांगों को जोड़ें और पंजे सामने की ओर करें। अपने सिर, छाती और टांगों को जमीन से एक साथ ऊपर को उठाएं। यह है मकर आसन। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें। गर्दन और जांघों के पिछले हिस्सों की मांसपेशियों को यह आसन मजबूती देता है। धीरे से शरीर को नीचे लाएं, उंगलियां खोलें और हाथों को बगल में लाएं और आराम करें। भुजंगासन। भुजंग यानी सांप, इसलिए इसे नाग मुद्रा भी कहते हैं। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को छाती के बल में रखें, उंगलियों को अच्छी तरह फैलाएं, टांगों को जोड़े और पंजे सामने को रखें, धड़ को जमीन से ऊपर उठाएं, बाजू सीधी रखें, सिर को पीछे खींचे और रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके उतना खींचे। यह है भुजंगासन। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से गर्दन और रीढ़ की हड्डी की अकड़न दूर होती है। अब धीरे से पहले अपने सिर और फिर शरीर को नीचे लाएं, विश्राम करें। धनुरासन। यह धनुर्मुद्रा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हमारा शरीर एक धनुर की आकृति में आ जाता है। पेट पर लेट जाएं, घुटनों को झुकाएं और टखनों को पकड़े, सिर को पीछे खींचे, छाती और जांघों को जमीन से ऊपर उठाएं, सिर को पैरों तक ले जाने की कोशिश करें। 10 से लेकर 15 सेकंड्स के लिए इसी मुद्रा में रहें। शरीर को जितना हो सके उतना मोड़ें, अपनी बाजुओं को धनुर की तार की तरह खींचे। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और छाती और फेफड़ों को भी यह आसन चौड़ा करता है। अपने टखनों को जोड़ें और नीचे आएं, शरीर को विश्राम दें। ऊर्ध्व प्रसरिता पद आसन। इस आसन में पैरों को ऊपर को खींचकर मुद्रा बनाई जाती है। पीठ के बल लेट जाएं, टांगों को जोड़े और सीधा रखें, बाजुओं को सिर के ऊपर की ओर खींचे और हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। अपना सिर, कंधे और बाजू जमीन पर स्थिर रखें। 30 डिग्री के कोण पर टांगे जमीन से उठाएं। 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रुकिए। अब 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टांगों को और ऊपर लें और इसी मुद्रा में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। झटके ना दें, आराम से आसनाओं को करें। अब 90 डिग्रीज पर टांगों को ले जाएं, जमीन से खड़ी सीधी रेखा की तरह। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड्स तक रहें। यह आसन कमर को कम करता है
और पेट की मांसपेशियों को मजबूती देता है। अब धीरे से टांगों को 60 डिग्री पर लाएं, 15 से लेकर 30 सेकंड्स रुकें, फिर 30 डिग्री पर लाएं और 10 से लेकर 15 सेकंड तक इसी मुद्रा में ठहरें। आखिर में टांगों को जमीन पर लाएं और शरीर को विश्राम दें। झटके से नीचे न आएं, आराम से सहजता से आसनाओं को करें। अनंतासन। यह भगवान विष्णु की नाम पर आराम करने की मुद्रा है, इसलिए इसे सुप्त विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। अपनी बाएं हाथ से सिर को सहारा देते हुए बाएं ओर लेट जाएं, देखें कि आपका शरीर सीधी रेखा में हो, दोनों टांगों सीधी रखें। अपनी दाएं टांग को झुकाएं, अपने दाएं पंजे को सीधे हाथ के तर्जनी से अटकाएं, दाएं टांग को जमीन से सीधी रेखा में ऊपर उठाएं, घुटनों को मत झुकाएं। इसी आसन में 10 से लेकर 15 सेकंड तक रहें। इस आसन से पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और घुटनों के पीछे वाली मांसपेशियों में लचीलापन आता है। अब धीरे से टांग को छोड़ें और नीचे की ओर लाएं, अपने दाएं तरफ पलटाएं और मुद्रा दोहराएं। 10 से लेकर 15 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहे। धीरे से टांग को थोड़े और नीचे लाएं, शरीर को आराम दें। शवासन। शव यानी मृत शरीर, इसलिए इस आसन को मुर्दा मुद्रा भी कहते हैं। पीठ के बल लेट जाएं और टांगों को फैलाएं, देखें कि शरीर एक सीधी रेखा में हो। बाजुओं को बगल में रखें, शरीर से थोड़ा दूर। हथेलियों को ऊपर की ओर रखें, आंखें खुली रखें, टोड़ी को छाती की ओर तनी रखें। सामान्य रूप से सांस लें, अपने शरीर के हर अंग को विश्राम दें, पंजे से लेकर ऊपर तक हर अंग को विश्राम की स्थिति में लाएं। 2 से लेकर 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। इस आसन से नसों और दिमाग को आराम मिलता है, थकान दूर होता है और भावनाओं को शांत करता है।